राय नहीं ली गई। तो क्या आपको बार काउंसिल का जो दो रोया नजर नहीं आता, एक ऐसी रिफॉर्म जिसमें अवाम बराह रास्त शामिल है उसको मुस्तरद कर दें, और एक ऐसा मुकदमा जिसमें दो लीडर की के हवाले से बात है, पर्सनल के हवाले से, और उनको जाके रिलीफ दिलवाएं, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? और आपकी लेफ्ट के जमात के आप रिप्रेजेंटर भी हैं, तो आप इस पूरे मामले को, बार काउंसिल के इस अमल को किस तरह देखते हैं? थैंक यू माय डियर। बात ये है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनका नाइली की फाइल करना पिटीशन, उसका ताल्लुक चाहे किसी पार्टी को फायदा पहुंचा रहा हो या नुकसान पहुंचा रहा हो, लेकिन वो एक प्रिंसिपली एक चीज को जो है एजिटेट करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई अपील का हक जो है एक बुनियादी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, नेचुरल राइट की बात करता है, कि भाई अगर आपसे कोई ऑफेंस हुआ है किसी भी कमिटमेंट का, तो उसकी जब तक अपील पेंडिंग में रहती है और उस अपील के पेंडिंग होने तक आप उसको नायल करार दे नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि उन्होंने इस बात को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अमल करते हुए, ये एक्शन लेते हुए, उन्होंने एक ट्रायल कोर्ट का जो है वो किया है, एक्ट किया है, उसके जो अख्तियारात को उन्होंने कोशिश की है लेने की, जबकि ये ट्रायल कोर्ट का काम है कि ट्रायल कोर्ट उसको जो है नाहल कर, जब वो कन्विक्ट करते हुए उसको नाहल किस हद तक जो नाहल करा रहा। और ये जो ताहयात है, ताहयात तो वैसे भी जो है ये टोटली जो है ये इलॉजिकल है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज फार एज, और हम उसकी सपोर्ट करते हैं उसकी, सिर्फ इस हवाले से नहीं कि वो किसी नवाज शरीफ को या जहांगीर तरीन या किसी थर्ड पर्सन को करेगा, ये फंडामेंटल राइट्स है। ये कल को मैं और कोई भी आदमी जो है इस मुल्क का जो है वो जो है पर्सन इससे अफेक्ट हो सकता है, तो ये बात जरूरी थी। जहां तक रह गया ये जो क्रिमिनल अमेंडमेंट्स है, तो ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हमारा जो पिनल कोड का जो है ला है वो 100 साल पुराना अंग्रेज का बनाया हुआ है, उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियां तो होती रही, लेकिन ये एट लार्ज इन्होंने कोई बहुत बड़ी तब्दीली करने जा रहे हैं, कोई 100-150 अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, उसमें छोटे छोटे ऑफेंसेस में को कॉम्प्रोमाइज की बात करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज पे है कि अच्छा भी किसी का 1,000, 2,000, 10, 50 लाख रुपए का झगड़ा है, तो बजाय इसके को वो जो 489F में जाते हैं उसमें जाते हैं, बजाय इसके को लिटिगेशन सूट की शक्ल में, सिविल की शक्ल में, क्रिमिनल की शक्ल में वो पेंडिंग रहे बरसों, और कोर्ट पर बर्डन हो, लोगों पर बर्डन हो, और इंसाफ तो यहाँ हम, मुझे तो 30 साल हो गए, मुझे तो कोई नजर नहीं आता कि भी हो क्या रहा है इस मुल्क में। बहरहाल ये मेरा प्रोफेशन है, तो इसलिए हम भी सुबह से शाम तक इसी में लगे रहते हैं, लेकिन ये जो अमेंडमेंट्स हैं हम उसको कहते हैं कि ये होनी चाहिए थी, बहुत पहले हो जानी चाहिए थे, ये अब इनको ख्याल है। और बेशुमार चीज़ें हैं जिनको जो है वो करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, जैसे बहुत दिनों से एक हो रहा है कि ये नैब का जो ला है जिसको काला कानून कहते हैं, और स्टिल इट्स अ काला कानून है, इसलिए कि हर जो मेन कानून है, मेन जो ला है, उसकी उसके रूल्स बनते हैं, जबकि इसका कोई रूल्स नहीं है। एक एक आदमी को आपने पकड़ लिया, उसको 90 दिन के लिए, 6 महीने के लिए आपने बंद कर दिया, रेफरेंस है नहीं, कंप्लेंट है नहीं, FIR है नहीं, सिर्फ इस चार्ज पे एक एग्जाम, इसके ऊपर एग्जाम, एग्जाम की बुनियाद पे किसी लोगों को इस तरह से बेआईंदा बाहर रखना, ये सब फिर बात कानून की और आइन की आ जाती है। तो ये बिल्कुल सही है कि उनके अमेंडमेंट्स जो हैं वो थी, लेकिन सबसे बड़ा जो झगड़ा वहाँ पे अब बार का और उनका जो पड़ा है वो ये पड़ा है कि वो उनका जो उनका है उन्होंने किसी से ये गुफ्तगू नहीं की, किसी को शेयरिंग नहीं की। ये बार हैं, बार में ये हमारे जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो अपने आप को पता नहीं अब क्या चीज़ समझने लगे हैं, वो चलने लगे कि उन लोगों को, और ये हमारा फवाद चौधरी जो है ये बैठा हुआ है जो है कि जिसको आउट राइट जो कहता है, उसको कल बार में भी आना है, इन्हीं लोगों से वास्ता पढ़ना है, ही शुड बी केयरफुल, ही शुड बी अ सबमिसिव, ही शुड बी अ फेयर इनफ के भी इन सारी चीज़ों को बार के साथ जो है शेयर करें, बार के साथ बैठे, हाई कोर्ट का सदर है, सुप्रीम कोर्ट का सदर है, डिस्ट्रिक्ट बार्स के सदूर है, वहाँ पे ये फ्लोट करनी चाहिए थे कि साहब हम ये जो है ये अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं, और उसमें जो है रेलिवेंट प्रोविजंस में जो है उसमें आप क्या 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 करना है। तो चूंकि जब आप कंसेंट नहीं करते उनसे रेलिवेंट चीज़ों पे, उनसे उनसे जो है वो डिस्कस नहीं करते, शेयर नहीं करते चीज़ों को, तो उसमें जो है चीज़ें जो है मुमकिन है कि इन सारी चीज़ों में जो है बार के पास इससे ज़्यादा बेहतर जो है सजेशन हों इस सारे मामला में, और लोगों को इंसाफ दिलाने में, जो चूंकि वकील का इन फवाद चौधरी का तो कोई काम ही नहीं है ट्रायल से, उसको क्या पता है कि ट्रायल का, और जिसका नाम फरोग नसीम है वो लॉ मिनिस्टर है, उसका भी काम नहीं है कोई ट्रायल से, ट्रायल तो हम मजिस्ट्रेट लेवल पे तो हम
सुबह से शाम तक पेश होते हैं, हमें पता होता है कि लोगों के क्या मसाइल है क्या नहीं मसाइल है। तो उसमें जब एक आदमी पकड़ा जाता है किसी छोटे बड़े केस में, अल्टीमेटली किस किस्म के प्रॉब्लम से वो सारी जो है वो गुजरती है, वो खुद मुल्जम गुजरता है, उसकी फैमिली गुजरती है, तो ये तो ट्रायल कोर्ट के उसको पता होता है। और ये ट्रायल में सारी अमेंडमेंट होने जा रही है, तो ट्रायल कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उनके जो बार की एसोसिएशन है उनके साथ कंसल्ट करनी चाहिए थी, और जब तक ये नहीं करते तो हम भी बार सुप्रीम कोर्ट बार के साथ हैं सारे मामले में कि इसको बाय कंसेंट इन सारी चीजों को एजिटेट किया जाए फिर पार्लियामेंट में लेके जाया जाए। सर आयशा मलिक साहब पहली खातून जस्टिस बनी हैं सुप्रीम कोर्ट की, बार ने इनकी भी मुखालफत की, तो लेफ्ट की जमातों का जो पहला मतमा नजर होता है कि खवातीन को एम्पावर करना, तो ये वीमन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा पाकिस्तान में एक तारीख रकम होने जा रही थी कि खातून जस्टिस बन रही थी, लेकिन बार ने इनकी भी मुखालफत की, तो सर इस पर क्या कहेंगे? इसमें भी मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है, इसमें ये कोई खातून के एम्पावरमेंट का मामला नहीं है, ये उससे जुदा मामला है। एक आप जो है एक प्रिंसिपली एक एक लेडी को, एक जज को या लेडी को ये जो है आप एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमारे दो जज जो हैं इस तरह मोहम्मद अली मजहर को और उसको नदीम अख्तर तो नहीं है, दूसरे हैं हमारे मुनीब अख्तर साहब को जो है आप इसी तरह से बाईपास करके जा रहे हैं। जब एक चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखती गई हैं उसको फिर फॉलो करते हुए पल जहाज ट्रस्ट में और बहुत सारी जजमेंट में आ गया है कि बाय सीनियरिटी आप आगे जाएंगे, तो ये देखिए कि सीनियरिटी का मामला है। यहाँ पे आप एक क्लर्क को किसी 16 ग्रेड 17 ग्रेड के ऑफिसर बिठा देंगे तो ये नालायकी होगी, इलीगेलिटी होगी, नाइंसाफी होगी ना, इसी तरह से वहां भी हुई है। चूंकि वहां पे वो खातून वट एवर उसका अपना पर्सनल क्राइटेरिया बहुत होशियार है, पढ़ी लिखी है, उससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एम्पावरमेंट से हट के बात है, वो हट के बात है कि चूंकि वहां पे 9 मेंबर्स थे उस समय हमारी पार्टी के जो है जनरल सेक्रेटरी अख्तर हुसैन वो खुद भी जुडिशियल पाकिस्तान जुडिशियल कमीशन के मेंबर है, और पाकिस्तान जुडिशियल कमीशन मेंबर होने की ऐसे से वो उन लोगों के साथ खड़े थे जो कहते थे कि आप जो चीजें प्रिंसिपली तय हो चुकी हैं उनको फॉलो करते हुए इसको करें, और उन्होंने भी इसको जो है इसकी मुखालफत की है। और ये एम्पावरमेंट है ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसको इसको खत्म हो जाना चाहिए, इसको लोगों की सोच में नहीं आना चाहिए कि एक औरत को जज बना रहे हैं और कुछ लोग जो है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, इट्स नॉट फेयर। सर EVM मशीन्स इलेक्शंस में इस्तेमाल करने के हवाले से वफाकी गवर्नमेंट बड़ी पुरउम्मीद है और उसकी पूरी कोशिश भी कर रही है और अमेंडमेंट्स भी लेकर आ रही है, तो आपकी जमात पार्लियामानी सियासत में क्या हिस्सा लेगी? अगर हिस्सा लेगी तो इन EVM मशीनों से क्या हमारा जो 70 जो हमारा निज़ाम इंतखाब है जिसमें लसानी बुनियादों पर, कौमी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर पार्लियामानी लीडर्स आके पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्या उसका रास्ता रुक जाएगा? ये अपनी जगह पे इशू है। देखिए अभी पिछला इलेक्शन हुआ है जिसको 3 साल गुजरे, हमारा बहुत जो हम सोच फिक्र का हमारा जो मैार है ना बहुत गिरता जा रहा है, हम सोचते नहीं है। मैं सांगर से बिलोंग करता हूँ, सांगर में जब ये 3 साल पहले वोटिंग हो रही थी और वोटिंग जिस दिन हम निकले हैं घरों से वोट डालने के लिए, तो हमें ये हमें वो जो है मोबाइल पे लगा दिया इंटरनेट पे कि साहब इस मोबाइल से आपको पता लगेगा कि आपका वोट कहाँ पे, मेरा वोट कहीं था, मेरी वाइफ का वोट कहीं था, मेरे बच्चों का वोट कहीं था, और दर तरह से ये अपनी जगह पे पहले सोसाइटी को उस लेवल पे ले तो आए कि जहाँ EVM का जो है वो अभी तो नेट यहाँ डिग्री में चलता है, नेट कितनी देर तक चलता है, यहाँ तो लाइट नहीं होती तो नेट क्या चलेगा, आप 2 घंटे बाद तो लाइट चली जाती है, तो इसलिए पहले आप सोसाइटी को इतना डेवलप तो कर लें कि वहाँ EVM में जैसे अब EVM का जहाँ तक इटसेल्फ EVM का सवाल है तो EVM ये फ्लॉप सिस्टम है जो दुनिया भर में लोगों ने करके छोड़ चुके हैं। हम वहां पे बाहर जा रहे हैं 100 साल हम तो बहुत पीछे हैं ना, तो हम वहां पे जा रहे हैं जहां पे EVM लोगों ने ये सिस्टम को अपनाया, देखा, भाला और उसके बाद उससे हाथ उठा लिया। अब इंडिया जैसे मुल्क में भी अच्छा भी वहां पे इतना बड़ा मुल्क है लेकिन वो बाय पैसे 10 दिन में एक इलेक्शन करा लेते हैं, रियासत में 10 दिन बाद एक इलेक्शन में करा लेते हैं 10 दिन। आप यहाँ पे पहले डेवलप तो कर दे, ये जिद है, ये हिटदर्मी है, ये लोगों को कंफ्यूज करने की, आपस में दस्तों गिरफ्तार करने की साजिश है, इसमें आवाम की कोई भलाई नहीं है। सर वन एक निसाब का एक नारा लेकर आई वफाकी गवर्नमेंट, उसके हवाले से उन्होंने काम किया, 3 सूबों में वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है, सिंध अभी तक उसका हिस्सा नहीं बना, तो लेफ्ट की जमातें, लेफ्ट के सोच और फिक्र रखने वाले लोग एक निसाब के हवाले से क्या राय रखते? ये भी ये जिसको कहते हैं एक लॉलीपॉप देने का है, ये कर ही नहीं सकते।
ये सिस्टम, ये जो सिस्टम हम जिसमें रह रहे हैं, ये सामाजिक नाम हमारी में सबसे टॉप है। यहाँ देखे ना आप, रेलवे में जाएं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, आप जहाज में जाएं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, बस में बैठे, स्कूलों में बैठे, आप एक स्कूल डिफेंस में, एक स्कूल जो है गिजरी में, एक स्कूल जो है वो पीसीएचएस सोसाइटी में, एक स्कूल जो है आपका वहां पे लालू खेत में और किसी में, इसी तरह से आप डिग्री में भी देख लें, दो चार स्कूल है ना जो यहाँ पे कोई होंगे जो अंग्रेजी में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, बाकी तो सारा ये सिस्टम भी तबकाती निजाम से जुड़ा, आप ये कर ही नहीं सकते, झूठ बोलते हैं। ये जो कहते हैं कि एक निसाबी निजाम, इमरान खान कैसे जो है एक निसाबी निजाम लाएगा, जबकि इसमें बड़े बड़े स्टेक होल्डर है जिनके, जिनका वो स्कूल है सिटी स्कूल है, ग्रामर स्कूल है, दे कैन नॉट, ये हो ही नहीं सकता है जब तक कि आप ऊपर लेवल पे इस सारे सिस्टम को चेंज नहीं करते थे। इस सिस्टम को, सामाजिक नामवारी को, दौलत की तकसीम को जब तक वो आप बराबरी में नहीं ले आते, यहाँ तालीमी बजट का मामला आता है और यहाँ दसियों प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इतने बड़े बड़े चौधरी वगैरह इस मुल्क में बैठे हुए हैं, ये सब झूठ बोलते हैं, ये लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो लास्ट कमेंट, लास्ट सवाल है, सदारती निजाम सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, कुछ सहाफियों ने भी डिस्कस किया है, कुछ कॉलम भी लिखे गए हैं, यानी एक डिबेट करवाई जा रही है, लेफ्ट की जमात इस निजाम के बारे में क्या राय रखती है? ये भी देखे कि इसमें हमारे आईन में तो कम अज कम गुंजाइश नहीं है, ये बाकी जो मर्जी कर ले इस मुल्क में, इसमें आईन में इसकी सदारती निजाम की कोई गुंजाइश नहीं है। ये अगर कोई वो करना चाहते हैं एक तजर्बा, तो तजर्बा पिछले 70 साल से कर रहे हैं, फिर भी कर ले, एक और बवाब भी फैलाए, ये फ्लोट करते हैं इस टाइप की कंफ्यूजिंग करने के लिए, ये 20 करोड़ आवाम को, ये 10-20 हजार लोग जो हुक्मरान है, ये फ्लोट करते हैं। और ये इसी तरह से इन्होंने एक और भी चल रहा है, कल भी एक टीवी में बैठा हुआ एक रिटायर्ड जनरल साहब थे, वो कह रहे टेक्नोक्रेट की हुकूमत बना दो, कौन होगा टेक्नोक्रेट, उसके इंटरेस्ट इस पाकिस्तान में आवाम में है कि नहीं, या उसके अपने इंटरेस्ट हैं? टेक्नोक्रेट की हुकूमतें तो बनती रही है ना, टेक्नोक्रेट की मुइन कुरैशी की बनी, टेक्नोक्रेट की शौकत अजीज की बनी, जो कहाँ चले गए, वेयर दे आर नाउ, अपना बैग भरते हैं चले जाते हैं, 4-5 साल हुकूमतें करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, तो ये कंफ्यूज करते हैं, ये सब लोगों के दुश्मन है, आवाम के दुश्मन है ये लोग, जो इस टाइप की चीजें एक मार्केट में फेंकते हैं, वो आप और हम बम से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताए जी इसकी, तो इसके इसका जवाब यही है कि झूठ बोलते हैं ये, अबव दिन तब आइन बात करने जाते हैं, इन लोगों को तो सबको फांसियां हो जानी चाहिए जो इस टाइप की चीजों को फ्लोट करते हैं। आई कहां से बात कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत बना दो, फिर आप जो है उसकी बना दे हुकूमत, जो है ये सदारती निजाम बना दे, कहां से आती है, कौन लोग हैं ये? इलेक्शन होने चाहिए ना भाई, 5 साल में उसमें आईन में लिखा हुआ इलेक्शन होने चाहिए ना, इलेक्शन होने चाहिए, ये फ्लाप हो गया ना इमरान खान, पता हो गया फ्लाप होना था और आइंदा भी फ्लाप होते रहेंगे अगर ऐसे ही लोग आते रहे। इसी तरह से 4 आदमियों ने मिलकर चौधरी को मिला लो, एक बटेरे को उधर से, एक उधर से मिला लो, इमरान खान के साथ वो कौन है? ये झमघट्टा एक आवाम का, उसमें तो ना उनकी कोई पर्सनल एफिलिएशन थी, ना कोई एक पार्टी के लोग थे, ना कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, ना कोई स्ट्रगल थी, ना कोई कुछ थी। 20 साल उसने, 20 साल कहाँ गुजारे उसने इमरान खान ने? किसी जेल में गुजारे, कोई किताब लिखी, कोई बड़े को लेक्चर दिए जाके, कोई इकोनॉमिक्स में, किसी 20 साल तो हमें तो 50 साल हो गए उसमें, मुझे खुद 40 साल हो गए सियासत में, मैं 55 साल की मेरी एज है, मैं तो जैसे हो इस्तेमाला में सियासत कर रहा हूँ, तो हमें तो नहीं समझ आती कि इन लोगों ने स्ट्रगल कहाँ पे की। तो फिर कौन सा सिस्टम निजाम, ये निजाम भी नाकाम हो गया, ये पार्लियामानी निजाम ने भी डिलीवर नहीं किया। देखिए मैं तो कहता हूँ ये आखिरी बात, अगर आप इसको समझे आखिरी बात कहते, इस आइन में आर्टिकल 3 है जिसको कोई एजिटेट नहीं करता, आइन आर्टिकल 3 कहता है बाय पैसेज ऑफ टाइम एक्सप्लाइटेशन ऑफ द पर्सन, एक्सप्लाइटेशन एहतसाल इंसान के हाथों इंसान का एहतसाल, आइन की आर्टिकल 3 है, बस इस पे अमल कर ले तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मसले हो जाएंगे। ये सुन लें आप ये, और ये लिखे भी कहीं और ये बता भी दें लोगों को, आइन का पाकिस्तान का आइन है ये, इन्होंने बनाया, मैंने तो नहीं बनाया, ये भुट्टो ने और पीरजादा ने और इन सारों ने, मुला ने भी और बगैर मुला दाढ़ी वाले ने बनाया, उसमें है कि आर्टिकल 3 है जो है इंसान के हाथों इंसान का एहतसाल खत्म होना चाहिए, बाय पैसेज ऑफ टाइम अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एक्सप्लाइटेशन का खात्मा होना चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लाइटेशन आर्टिकल 3 ऑफ पाकिस्तान 1973, उसमें यह है कि बाय पैसेज ऑफ टाइम आप इंसान के हाथों इंसान का एहतसाल खत्म कर दो, उसकी उसमें बहुत बड़ी पैसे है, वो किसी और वक्त में कर लेंगे। तो कौन करेगा, हम करेंगे, लेकिन
हमारे साथ लोग नहीं है। वो लोग कहते हैं आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन आपके साथ लोग नहीं है। लेकिन वो जो लोग ये कह रहे होते हैं कि आपके साथ लोग नहीं है, वो वहां आप जिस तरह आप खड़े इस तरह इधर आके खड़े।